नमस्कार दोस्तों, अजय मैकेनिक यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम बताएंगे कि एक्टिवा स्कूटी का माइलेज किस तरीके से सेट करते हैं वो हम बताते हैं। और देखिए मेरे सामने ये एक्टिवा है और इसी का हमको माइलेज सेट करना है। पर दोस्तों क्या है कि जैसे आपके पास स्कूटी है तो उसको आपको एक माइलेज सेट करने से पहले आपको क्या ध्यान देना है, उसका प्लग ओरिजिनल होना चाहिए। और प्लग जो होता है उसमें दिखा दे दोस्तों, यानी इस नंबर का प्लग लगता है दोस्तों, MR7C9N, ठीक, ये इस नंबर का प्लग होना चाहिए। और उसके साथ साथ जो उसका एयर फिल्टर होता है वो उसका ओरिजिनल होना चाहिए, डुप्लीकेट ना, क्योंकि ओरिजिनल फिल्टर हो तो ठीक है, अगर डुप्लीकेट होता है तो डुप्लीकेट फिल्टर में क्या होता है, जो कागज़ का काम होता है वो उसको हवा जो जाने की जगह होती है वो कम होती है, और ओरिजिनल फिल्टर में हवा ज़्यादा यानी पास करता है, ठीक। तो वो समस्या होती है अगर उसको हवा, भाई कार्बोरेटर का काम यही होता है कि एयर और पेट्रोल को दोनों को मिक्स करना, और इसमें जब कार्बोरेटर में एयर जब कम जाएगा तो पेट्रोल ज़्यादा लेगा, तो इसलिए माइलेज कम। इसलिए आपको माइलेज सेट करने से पहले आपको यानी इसका एयर फिल्टर जो है वो ज़रूर आप ध्यान दें कि एयर फिल्टर उसका कैसा है, ठीक दोस्तों। और एयर फिल्टर ओरिजिनल होना चाहिए, ठीक, एयर फिल्टर हो गया। फिर उसके साथ साथ जैसे आप माइलेज सेट करते हैं तो किक लगा के देख लें, अगर किक वाली बाइक है या स्कूटी है तो किक लगा के देख लें, किक टाइट होना चाहिए। अगर किक टाइट नहीं है, ढीली है, तो उसका टैपेट ज़रूर सेट करें, ठीक है दोस्तों। तो जब टैपेट सेट कर लें और फिर उसके बाद माइलेज सेट करते हैं, और उसके साथ साथ जो इसका धुआं होता है वो आपके आँखों में लगने लगता है, जो यानी जिस बाइक का जिस स्कूटी का माइलेज कम आता है। और जब ऐसा होता है तो आपको यानी उसके साथ साथ यानी इसका किक टाइट देख लें और आँखों में धुआं लगता है, और इसकी जो चाल होती बाइक यानी स्कूटी की बाइक की वो थोड़ा भारी भारी रहती, तब आप समझिए कि हमारी बाइक का स्कूटी का माइलेज कम है, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों जब आपको माइलेज सेट करने से पहले इन बात को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, प्लग ओरिजिनल हो, फिल्टर ओरिजिनल हो और किक टाइट हो, और यानी इस तरीके से। और किसी किसी समय आपको जब आप रेस लेंगे तो उसमें ब्लैक स्मोक भी आएगा, तब आप समझिए कि हमारे बाइक का यानी स्कूटी का माइलेज कम है, ठीक है। तो इस तरीके बाकी दोस्तों सभी का, चाहे बाइक हो चाहे स्कूटी हो, ज़्यादातर 100cc का माइलेज बढ़ाने का सिस्टम एक ही जैसा होता है। हम आज बताते हैं जो वो विशेष करके एक्टिवा का बताते हैं कि किस तरीके उसका माइलेज सेट किया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या है कि जैसे हम पहले माइलेज सेट करने से पहले एयर फिल्टर चेक कर लें, एयर फिल्टर सही है, फिर उसके बाद किक लगा के देख लें, किक टाइट होना चाहिए, ठीक। अब किक टाइट है यानी ढीली नहीं है, अगर ढीली होती तो उसका हम टैपेट खोल करके और टैपेट सेट कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों बाकी चाहे स्कूटी 100cc और ज़्यादातर 100cc 110cc में यानी माइलेज सेट करने का एक ही तरीका होता है, बाकी जो पल्सर अपाचे होती हैं उनका अलग होता है, लेकिन इसका एक ही जैसा होता है सिस्टम। देखिए दोस्तों इसको 4000 RPM के लगभग में यानी रेस बढ़ाना है, ठीक, उसके बाद फिर 4000 के लगभग में RPM रेस बढ़ा करके और फिर उसके बाद क्या करना है, तो हमने यानी इसका जो टेकोमीटर होता है वो तो हमने यूज़ नहीं किया, पर मेरे यहाँ कभी भी यानी माइलेज की कंप्लेंट बहुत कम आती है दोस्तों, ठीक। अब देखिए दोस्तों इसको हम चाहे तो पूरा टाइट कर लें, चलो ठीक है, आपको देखिए ये पूरा टाइट हो गया, ठीक। अब हम इसको खोल रहे हैं, ये खुला है, आधी चुड़ी खोला दोस्तों, ठीक। और इसकी जो चाल थी दोस्तों वो हमें इसका जो धुआं था वो हमारे आँखों में लगने लगा पहले से, तो हम समझ रहे थे कि इस स्कूटी का माइलेज यानी कम है, ठीक। अभी हमने आधी चुड़ी खोला है दोस्तों, हमने एक चुड़ी खोल दिया पूरा, एक चुड़ी हो गया, ठीक। माइलेज सेट हो रहा है वो सवा चूड़ी में हो रहा थी, पर हमको सवा चूड़ी नहीं रखना है, ये हमने डेढ़ चूड़ी रख दिया। डेढ़ चूड़ी क्या है कि रेस इसको जो पड़ रही है वो सवा चूड़ी पर बिल्कुल पड़ रही पूरी, लेकिन उससे आपको क्या करना है, आधी चूड़ी और ढीला रखना है, ठीक है दोस्तों। ये इतने पर आप रखेंगे और माइलेज चेक करेंगे तो इतने पर बिल्कुल माइलेज बढ़िया आएगा, ठीक है दोस्तों। इसको आपको इतने पर माइलेज आपको सेट करना है, इस पर आपको बिल्कुल बढ़िया सा माइलेज आएगा। और इसके साथ साथ दोस्तों क्या है कि इसकी अगर ठंड का समय है तो उसको आप
जहाँ पर ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पर, जहाँ पर रेस पड़ती है वहीं पर छोड़ देना है। अगर थोड़ा सा मौसम अब चेंज हो रहा तो हमने इसीलिए क्या किया, जहाँ पर यानी सवा चूड़ी पर सेट हो रहा था लेकिन हमने उसको डेढ़ चूड़ी कर दिया। इस तरीके से क्या होगा कि सुबह टाइम एक मिनट डेढ़ मिनट तक थोड़ा सा वो महसूस होगा कि थोड़ा सा झटके ले रही, लेकिन जैसे ही एक डेढ़ मिनट के बाद जब गाड़ी स्टार्ट रहेगी फिर उसके बाद बिल्कुल वो साफ चलेगी और उसका माइलेज बढ़िया होगा और इसका यानी वो दबना भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो भी अनुभव था हम चाह कि आप सभी भाई लोगों को बताएं। चाहेंगे दोस्तों हमारा वीडियो पसंद है उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।